वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्व सिस्टम। तो आज अपन किस पे डिस्कस करेंगे, नर्व सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ नर्व। तो सबसे पहले क्या है, सेंसरी और एफरेंट नर्व। सेंसरी और एफरेंट नर्व क्या होता है, व्हेन एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स, दे आर ट्रांसमिटेड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी नर्व फाइबर। जब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल की प्रोसेस होती है, उस दौरान क्या एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होती हैं, और इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट होती हैं। तो जब इम्पल्स जनरेट होती हैं, ठीक है, किससे होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर से ऑन द डेंड्राइट्स, कहाँ पे डेंड्राइट्स पे, ऑफ दीज न्यूरॉन्स, दे आर ट्रांसमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ पे जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी नर्व फाइबर, और किसके द्वारा जाती हैं, सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा। द इम्पल्स में देन पास टू द ब्रेन और द कनेक्टर न्यूरॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स अक्रॉस इन स्पाइनल कॉर्ड। जो इम्पल्स है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और जो अपनी ब्रेन है उनके पास क्या है, जाती है। तो जो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है उसके अंदर अपना सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेंसरी और एफरेंट नर्व। सेंसरी और एफरेंट में क्या होता है, व्हेन एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर, एक्शन और पोटेंशियल की जो प्रोसेस है, जो इम्पल्स जनरेट होने की जो प्रोसेस है वो किससे होती है, बाय द रिसेप्टर ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स, ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी नर्व फाइबर, और कहाँ से होती है, दे आर ट्रांसमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी नर्व फाइबर। द इम्पल्स में देन पास टू द ब्रेन और द कंटेनर कनेक्टर न्यूरॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स क्रेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट अपना क्या है, सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर में क्या, स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ द सेंसरी नर्व रिस्पॉन्ड ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सेंसरी रिसेप्टर में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी चेंजेज हैं, इनसाइड और आउटसाइड में जो भी चेंजेज हैं उनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है सोमेटिक और कॉमन सेंसेज। दीज ओरिजिनेट इन द स्किन, दे आर पेन, टच, हीट एंड कोल्ड। सोमेटिक और जो क्यूटेनियस और कॉमन सेंसेज जो हैं वो क्या, कहाँ पे होते हैं, कहाँ से फील करते हैं, अपन स्किन पे करते हैं, कौन से हैं, दे आर पेन है, टच है, हीट है, कोल्ड है, ये सारे अपन कहाँ से पता करते हैं, स्किन से। सेंसरी नर्व एंडिंग इन द स्किन आर फाइन ब्रांचिंग विदाउट माइलिन सीथ। जो सेंसरी नर्व एंडिंग है वो क्या है, स्किन के अंदर जो है उसकी क्या है, फाइन ब्रांचिंग होती है, किसके बिना, विदाउट माइलिन सीथ के बिना, यहाँ पे माइलिन सीथ प्रेजेंट नहीं होती।
When stimulated, an impulse is generated and transmitted by the sensory nerve to the brain, where the sensation is preserved. These originate in the muscles and joint and contribute to maintain of the balance and posture. Next है special senses. Special senses में क्या होता है? These are sight, hearing, smell, touch and taste. Next अपना क्या है? Special senses. Special senses में क्या होता है? These are sight, hearing, smell and touch. टच और टेस्ट, ये क्या है अपने स्पेशल सेंसेज हैं. ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व, दीज ओरिजिनेट इन इंटरनल ऑर्गन ग्लैंड एंड टिश्यू. एग्जांपल क्या है इसके? बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर एंड एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटी एंड विसरल पेन. तो जो ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व उनमें क्या होता है? दीज ओरिजिनेट इन इंटरनल ऑर्गन ग्लैंड एंड टिश्यू. तो अपने जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें और ग्लैंड और टिश्यू जो है उनमें जो सेंसेशन है वो किसमें होता है? अपनी ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व उनका सेंसेशन करती है. स्पेशल सेंसेस में क्या है? साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टच है, ये सारी सारी किसमें आती है? स्पेशल सेंसेस में आती है. नेक्स्ट अपना क्या है? मोटर और इफरेंट नर्व. मोटर और इफरेंट नर्व में क्या होता है? मोटर नर्व ओरिजिनेट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया. जो मोटर नर्व जो है ठीक है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है और अपनी जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया है वहाँ पे क्या है वो ओरिजिनेट होती हैं. दे ट्रांसमिट इम्पल्स टू इफेक्टर ऑर्गन. ये क्या करती हैं? ट्रांसमिट इम्पल्स टू इफेक्टर ऑर्गन, मसल्स एंड ग्लैंड्स. जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं उनमें क्या है? इम्पल्स ट्रांसमिट करती हैं. दे आर टू टाइप, दो टाइप की होती हैं. कौन सी? सोमेटिक और
ऑटोनॉमिक। जो मोटर और रिफ्रेंडर है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, सोमेटिक है और एक है अपनी ऑटोनॉमिक है। सोमेटिक में क्या है? इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। सोमेटिक नर्व फाइबर में क्या होगा? जो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व? इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। ऑटोनॉमिक नर्व में क्या है? सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक दोनों कंबाइन होते हैं, इन्वॉल्विंग इन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन और ग्रेनुलर सिक्रेशन। तो मोटर और रिफ्रेंडर में क्या है? मोटर नर्व है ओरिजिनेट इन द ब्रेन। जो मोटर नर्व है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट इन द ब्रेन, ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। मोटर नर्व जो है वो अपनी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से क्या है? ओरिजिनेट होती है। दे ट्रांसमिट इम्पल्स टू इफेक्टर ग्लैंड। ये क्या करती है? इम्पल्स ट्रांसमिट करती है कहाँ पे? इफेक्टर ग्लैंड कौन सी है? जैसे कि मसल्स और जो अपनी ग्लैंड्स हैं, जो इफेक्टर क्या है ऑर्गन्स है, मसल्स और ग्लैंड्स है, उनको क्या है ये इम्पल्स ट्रांसमिट करती हैं। कितने टाइप से होती है? दो टाइप से होती है, एक सोमेटिक है और एक ऑटोनॉमिक है। सोमेटिक के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है। और ऑटोनॉमिक के अंदर क्या होता है? सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक दोनों कॉमन होते हैं। ऑटोनॉमिक के अंदर क्या है? इन्वॉल्व होता है अपना कार्डियक और स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो क्या अपना ऑटोनॉमिक नर्व के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट अपनी क्या है? मिक्स नर्व। इन द स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व आर अरेंज इन सेपरेटेड ग्रुप और ट्रैक्ट। जो मिक्स नर्व है वो क्या है? इन द स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व आर अरेंज इन सेपरेटेड ग्रुप और ट्रैक्ट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड व्हेन सेंसरी एंड मोटर नर्व आर एनक्लोज। मिक्स नर्व के अंदर क्या होता है? जो अपना स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी और मोटर नर्व है वो क्या है अरेंज होती है एक सेपरेटेड ग्रुप के अंदर। कहाँ पे? आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड व्हेन सेंसरी एंड मोटर नर्व आर एनक्लोज। जहाँ पे सेंसरी और जो अपनी मोटर नर्व है वो दोनों आके क्या है एनक्लोज होती हैं। विद इन द सेम शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दे आर कॉल्ड मिक्स नर्व। और यहाँ पे जो सेम शीथ की जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको अपन क्या बोलते हैं? मिक्स नर्व बोलते हैं। तो जो अपनी मिक्स नर्व वो क्या होती हैं? जहाँ पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी और मोटर नर्व क्या है अरेंज होती हैं सेपरेटेड सेपरेटेड ग्रुप के अंदर, ठीक है, ट्रैक के अंदर, वहाँ पे वहाँ उसके बाहर के आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर व्हेन सेंसरी और मोटर नर्व आर एनक्लोज। जहाँ पे सेंसरी और मोटर नर्व जो है वो क्या है एनक्लोज होती हैं विद इन द सेम शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिक्स नर्व बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या है अपना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन कन्वे इंपल्स टू स्केलेटल मसल्स टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड इन द फिलामेंट टर्मिनेटिंग इन मिनट पैड कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। एट द पॉइंट वेयर द नर्व रीच द मसल्स द माइलिन शीथ इज एब्सेंट। जब पॉइंट पे नर्व पहुंचते हैं मसल्स पे तो जो माइलिन शीथ है वो एब्सेंट होती है एंड द फाइन फिलामेंट पास टू सेंसिटिव एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द मसल्स फाइबर। ईच मसल्स फाइबर इज स्टिमुलेटेड थ्रू ए सिंगल मोटर एंड प्लेट एंड वन मोटर नर्व हैज मैनी मोटर एंड प्लेट्स। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे क्या होता है, द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कन्वे इंपल्स टू स्केलेटल मसल्स टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सॉन है किसका, मोटर न्यूरॉन्स का, वो क्या करता है, कन्वेंस करता है, कन्वे करता है किसको, इंपल्स को टू स्केलेटल मसल्स टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। डिवाइडेड इनटू फाइन फिलामेंट टर्मिनेटिंग इन मिनट पैड कॉल्ड मोटर एंड पैलेट। At the point where the nerve reach the muscles, the myelin sheath is absent and the fine filament pass to a sensitive area of the surface of the muscles fiber. Each muscles fiber is stimulated through a single motor end plate and one motor nerve has many motor end plates. The motor end plate and the sensitive area of the muscles fiber throughout which it is stimulated is analogous to synapse between neurons and is known as the neuromuscular junction. The motor end plate and sensitive area of muscles fiber through which it is stimulated is analogous to the synapse between neurons and is known as neuromuscular junction. The impulse is pass across the gap between the motor and palate and the muscles fiber by the neurotransmitter acetylcholine. The group of muscle fiber and the motor end plate of the nerve fiber that supply them constitute of a motor unit. जो group है किसका, muscle fiber का, and motor unit and plate of the nerve fiber that supply them constitute of motor unit. ये क्या करते हैं, supply करते हैं किसको, motor unit को।
नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स कैजुअल सीरीज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मोटर यूनिट इन ए मसल्स एंड ईच यूनिट कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स फुल कैपेसिटी. द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोटर यूनिट इन एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम. The ending of the autonomic nerves supplies smooth muscles and gland branches near their effector structure and release a neurotransmitter which stimulate or depress the activity of the structure. The ending of the autonomic nerve supplying smooth muscles and gland branch near their effector structure and release a neurotransmitter which stimulate or depress the activity of the structure. नेक्स्ट अपना क्या है सेंट्रल नर्व सिस्टम. तो सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है. सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो किस किस चीज से मिलके बना है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके क्या है अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम बना हुआ है. सबसे पहले क्या अपने न्यूरो गेंग्लिया. द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सपोर्टेड बाय फोर टाइप ऑफ नॉन एग्जिबिटेबल गेंग्लिया सेल गिलियल सेल. नॉन एग्जिबिटेबल गिलियल सेल दैट मेक अप ए क्वार्टर हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन टिश्यू. जो न्यूरो गेंग्लिया है न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सपोर्ट बाय फोर टाइप ऑफ नॉन एग्जिबिटेबल गिलियल सेल दैट मेड अप ए quarter of half of the volume of the brain tissue. Unlike nerve cells, these continue to recirculate throughout life. They are astrocyte or oligodendrocyte, microglia, microglia या epididymal cell. ये क्या है अपने neuroganglia के जो हैं parts हैं. जो next lecture अपना होगा वो किस पे होगा एस्ट्रोसाइट्स के ऊपर. क्या अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा. थैंक्स टू ऑल.